क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो चलो, हम लोग फिर से लेके आ गया है पार्ट 3 ऑफ द एनिमल किंगडम। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज कहां से देखेंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्लैटी हेलमिंथिस से, राइट? यहाँ का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्हाट विल बी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लैटी हेलमिंथिस? इट विल बी ऑर्गन टाइप्स, राइट? इट विल बी organ types or organ level of classification, right? Body symmetry, in case of body symmetry अगर हम लोग देखेंगे तो the body symmetry will be bilateral, okay? And the germ layer, यहाँ का germ layer कितना होता है? Triploblastic, the germ layer will be triploblastic, हम लोग क्या बोले थे एस्केलमिंथिस के पहले वाला जितना भी सिलोम है सब क्या होगा? The all will be a silomate, right? And the habitat की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल क्या होता है? ये हो सकता है कि मतलब टेरिस्ट्रियल हो सकता है एंड मेरिन भी हो सकता है, राइट? तो मोस्टली टेरिस्ट्रियल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में अगर हम लोग इसका स्पेसिफिक फीचर या स्पेशल फीचर में जाएंगे तो क्या देख पाएंगे? देखो, इसको क्या बोलते हैं? प्लैटी हेलमिंथिस। तो अगर बॉडी का बात करोगे तो फर्स्ट पॉइंट विल बी बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इसका अगर हम लोग सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो इसका सेगमेंटेशन क्या क्या होता है? यहां पे होता है स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक मतलब एक एक सेगमेंट को बोलते हैं मेटामियर्स, लेकिन यहाँ पे एक एक सेगमेंट ऐसा मेटामेरिक और मेटामियर्स नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, देख के लगता है कि मेटामेरिज्म है लेकिन ओरिजिनली नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें व्हाई दिस इज कॉल्ड द ऑर्गन, ठीक है? तो इधर क्या होता है? इधर जो डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, इधर अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे, दिस इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड। यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है दो स्ट्रक्चर। वन इज मतलब एक को बोलेंगे क्या? हुक। एक को बोलेंगे क्या? सकर, राइट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सकर? इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, राइट? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हुक? फॉर द अटैचमेंट with the host cell की बात कर रहे, right? तो अगर हम लोग host cell की बात करेंगे तो यहां पे maximum animal क्या होता है? देखो, इधर लिख देते हैं। तो इधर जो maximum animals, जितना भी सारा है, maximum animals क्या होता है? Those are endoparasites, राइट? अच्छा, अगर इधर बात करोगे तो देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लीवर फ्लूक। ये लीवर फ्लूक का पिक्चर है, राइट? तो लीवर फ्लूक का
जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फैसियोला, दैट इज कॉल्ड द फैसियोला, राइट। तो यहां पे क्या होता है, ये देखो ये एक सकड़ राइट, ये भी एक सकड़ है राइट, ओके। एंड इसका जो नर्वस सिस्टम, अगर हम लोग इसका नर्वस सिस्टम का बात करेंगे तो कैसा होता है, दिखने में होता है ऐसा, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, ओके। एंड अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम राइट, तो यहां पर क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल, एकदम मतलब इट लुक्स लाइक द इन्वर्टेड फ्लेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लेम सेल, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द टेप वर्म राइट, साइंटिफिक नेम इज टीनिया राइट। और इधर एक पर्टिकुलर एनिमल होता है जिसका नाम है क्या, ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड प्लैनेडिया राइट। यहाँ पे क्या इसको बोलता है, प्लैनेडिया, प्लैनेडिया हैज हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी राइट, इट हैज अ हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी। अच्छा, इसमें ज्यादातर एनिमल क्या नहीं होता है, इसमें ज्यादातर एनिमल मतलब मेल फीमेल सेपरेट नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्मोफ्रोडाइट, HMB, हार्मोफ्रोडाइट, एम फॉर मोनोसियस एंड बी फॉर बाइसेक्सुअल, ये बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैटीहेल्मिंथिस राइट। इफ वी टॉक अबाउट द एस्केल्मिंथिस, एस्केल्मिंथिस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑर्गन सिस्टम राइट, द बॉडी सिमेट्री, व्हाट विल बी द बॉडी सिमेट्री, दिस इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल राइट, द बॉडी इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इफ वी टॉक अबाउट द जर्म लेयर, इट विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर तुम लोग को याद नहीं है एक बार फिर लिख देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, तीनों लेयर, एक्टोडर्म आउटर साइड, मिडिल में मेसोडर्म एंड इनसाइड में एंडोडर्म राइट, सीलोम, दिस इज इसको मतलब एकदम स्टार्ट देके लिखता है राइट। इसमें क्या होता है, इसमें दिस इज द ओनली फाइलम व्हिच इज स्यूडो सीलोमेट, मतलब फॉल्स सीलोम रहता है राइट, और मोस्टली तो मतलब टेरेस्ट्रियल ही होता है ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एंड कुछ कुछ एक्वाटिक भी हो सकता है राइट, बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल राइट। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द स्पेशल फीचर, एट फर्स्ट we have to draw the internal diagram or the diagram of the internal structure. If this is the body of a Asclepiomyces, Asclepiomyces का और एक नाम क्या होता है, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द राउंड वर्म, मतलब अगर बॉडी को क्रॉस सेक्शन करेंगे तो
सिंगल जो पीस आएगा दैट विल बी दिस राउंड और ओवल शेप्ड, राइट। एंड मैक्सिमम एनुअल क्या होता है इसमें, एंडो पैरासाइट, राइट। क्या होता है एंडो पैरासाइट, मतलब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर रहता है, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। इसमें क्या होता है कि फुली फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें क्या क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, द स्ट्रक्चर वुड बी द एलिमेंट्री कैनल, द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल वुड बी लाइक दिस, राइट। दिस इज द माउथ पार्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इट हैज द मस्क्यूलर फैरिंग्स, मस्क्यूलर फैरिंग्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और लास्ट में जो होता है राइट एनस, इधर पे होता है क्या एक्सक्रीटरी पोर, राइट। एंड इफ वी लुक अबाउट, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, एंड इफ वी लुक अबाउट दिस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एस्करिस, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्करिस। यहां पे देख के हम लोग को क्या लग रहा है कि फीमेल एनिमल्स आर लॉन्गर देन मेल एनिमल्स, राइट। एंड इसका और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या लिखोगे, डेवलपमेंट मे बी डिरेक्ट और इनडिरेक्ट, ठीक है, मे बी डिरेक्ट और इनडिरेक्ट। अच्छा, दीज आर द डिजीज कॉजिंग एनिमल्स, जैसे फ्रॉम एस्करिस क्या होता है एस्करियासिस, फ्रॉम द एग, एस्करिस का एग, थ्रू वाटर एंड फूड कंटामिनेशन, राइट। जैसे और एक एनिमल उचेरेडिया, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइलेरिया वर्म, राइट, दिस इज कॉल्ड फाइलेरिया वर्म। इससे क्या होता है फाइलेरियासिस, राइट, और जिसको हम लोग इससे एलिफेंटियासिस भी होता है, क्लियर। तो दिस इज द एस्केल्मिंथिस। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द एनी लीडर, राइट, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑर्गेन सिस्टम, क्लियर, बॉडी सिमेट्री विल बी बाइलैटरल एंड द जर्म लेयर। ये तो सब लोगों को, मतलब अभी तक तो ये तो सब लोगों को याद हो गया ही होगा, राइट, हो ही गया। तो दैट इज
ट्रिप्लोब्लास्टिक, गॉट इट। नेक्स्ट सिलोम, हम लोग क्या बोले कि एस्केलमिंथिस के पहले वाला जितना भी सारा फाइलम है सब क्या होगा, एसिलोमेट, राइट, एंड उसके बाद सिलोमेट, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली सिलोमेट, राइट। और हैबिटेट बोथ टेरिस्ट्रियल एंड मेरिन। अगर इफ यू फोकस ऑन दिस नेम एनी लीडर, तो ये कहां आया है, कहां से आया, एन्यूलस, दिस इज द लैटिन वर्ड एन्यूलस, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब सर्कुलर रिंग। तो इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म, हम लोग क्या देखेंगे, बॉडी में एक एक छोटा छोटा सेगमेंट, रिंग लाइक सेगमेंट, दिस रिंग लाइक सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामियर, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, दिस सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्लियर, दिस कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, स्पेशल फीचर, हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं, राइट। पहले देखते हैं क्या, एट फर्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गन, एक साइड में लिखते हैं आर्थवर्म और एक इस फाइलम में एक एनिमल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, नेरिस, राइट, नेरिस। नेरिस क्या होता है, नेरिस इज द डायशियस एक्वाटिक एनिलिड्स, राइट। ओके, तो आर्थवर्म में क्या होता है, आर्थवर्म का नाम है लोकोमोटरी ऑर्गन का सीटा, और नेरिस का क्या है, पैरापोडिया, राइट। अगर हम लोग पैरापोडिया हेल्प्स इन द स्विमिंग, क्लियर, अगर हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन का बात करेंगे, इन केस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट, इन एनिलिड्स, नॉट स्पेसिफिक इन आर्थवर्म और नेरिस, इन एनिलिड्स, that is nephridia, which helps in the osmoregulation, which helps in osmoregulation, clear. If we look about the nervous system, right, यहां पे क्या देखेंगे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड व्हिच इज कनेक्टेड बाय गैंग्लिया, राइट। तो दीज आर द मेन फीचर्स, क्लियर। Okay, let's see. This is the picture of Nerys, right? And this is the picture of blood sucking leech. Iska scientific name kya hai? Hirudinaria, right? Hirudinaria. अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये हिरुडिनेरिया में क्या होता है, इट हैज वन नेचुरल एंटीकोआगुलेंट
इन सलाइवा, राइट, जिसका नाम क्या है, हीरोडिन. इसलिए व्हेन दिस एनिमल बाइट्स एनी अदर एनिमल्स और द ह्यूमंस, द ब्लड इज नॉट क्लॉटेड, राइट, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड ऑलवेज फ्लो ही हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, राइट. सो आज हम लोग कौन सा फाइलम डिस्कस किए, द फर्स्ट वन इज द प्लैटिहेल्मिंथिस, द नेक्स्ट वन इज द एस्कल्मिंथिस, एंड द थर्ड वन इज द क्या था, द थर्ड वन इज एनिलिड्स, राइट. ओके, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. क्या लिखा है, एट फर्स्ट वी विल लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ द एस्कडिस यूजुअली ऑकर्स बाय, क्या होगा, मॉस्किटो बाइट नहीं, सेट्सी फ्लाई नहीं, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पॉर्क बिल्कुल नहीं, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कडिस, वहां पे लिखा हुआ था एग ऑफ एस्कडिस वाटर कंटामिनेशन से होता है, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियर. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट, नेक्स्ट मोलस्क आर एसिलोमेट, थर्ड वन इंसेक्ट्स आर स्यूडोसिलोमेट, एंड नेक्स्ट फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट्स. तो देख के एकदम फर्स्ट ऑप्शन देख के बोल दोगे तुम लोग, क्या बोला, एस्कल्मिंथिस क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट्स, राइट. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. द थर्ड वन, प्लैनिडिया पॉसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लैनिडिया पॉसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, क्या क्या नहीं होगा पहले जान लेते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस किसमें था, टीनोफोरा, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन किसमें था, निडेरिया. तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. रीजेनरेशन और मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस तो हम लोग इधर नहीं देखे, तो ये भी करेक्ट. ऑप्शन एक ही बाकी है जो होने वाला है, दैट इज रीजेनरेशन. हम लोग देखे कुछ टाइम पहले कि प्लैनेरिया हैज द हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन इन प्लैटिहेल्मिंथिस. ओके, तो आई होप कि आज का क्लासेस में तुम लोगों को कुछ डाउट बिल्कुल, मतलब 0.001% भी नहीं है, राइट. अगर मतलब कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट है, एनी प्रॉब्लम, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोल सकते हो कि ये फाइल हम और एक बार बोल दीजिए. अगर और कोई क्वेश्चन करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, या कोई टॉपिक और डिटेल्स में करना है, तुम लोग प्लीज बोल दोगे कि कमेंट बॉक्स में कि फिर ये टॉपिक दूसरा बार बोल दीजिए. तो हम लोग एक एक क्लास में ऐसे तीन तीन फाइलम करके पूरा एनिमल किंगडम एकदम आसानी से कंप्लीट करेंगे. देखो एनिमल किंगडम सब लोग बोलते हैं बहुत रटने वाला चैप्टर है, लेकिन मतलब मेरे साथ चल के देखो बिल्कुल नहीं रटने वाला चैप्टर. हाँ, रटना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ओनली रटना है. तुम लोग को प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चन आंसर करते करते, लेकिन एग्जाम्पल एंड डायग्राम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो एग्जाम्पल डायग्राम बिल्कुल नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का फॉर दिस ईयर. दिस ईयर नहीं मतलब कभी भी, एग्जाम्पल एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. एग्जाम्पल देके ही क्वेश्चन आता है. तो मतलब मेरे साथ चलते रहो ऐसे, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग नीट एग्जाम. और तुम लोग एकदम फोड़ दोगे कि मतलब देखो भाई, 720 में 720 ही ला सकते हो, ठीक है, 720 में 720 ही ला सकते हो, ऐसा मतलब नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है. और करके हम लोगों को इस बार करके दिखाना ही है, और चलो हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है. तो आज के लिए बाय.